हिंदुस्तान में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। हिंदी को 26 जनवरी 1950 में देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी गई थी। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को 1950 के अनुच्छेद 43 के तहत देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। वर्ष 1949 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का साप्ताहिक इतिहास 12वीं शताब्दी का है। हिंदी भाषा का आधुनिक अवतार जो वर्तमान समय में ज्यादातर उपयोग में है, लगभग 300 साल पहले का है। हम हिंदी दिवस को स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई थी। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां तक पहुंचे या हम क्या करते हैं, पर हमें अपनी संस्कृति पता होनी चाहिए। हिंदी दिवस हमें यह एहसास दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक है, और ऐसे में हमें अपनी मातृभाषा यानी हिंदी भाषा में बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। जहाँ भी हम जाए, हमारी भाषा संस्कृति हमारे साथ बरकरार रहनी चाहिए। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में अंग्रेजी की ओर एक बहुत बड़ा झुकाव है, क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और यह भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह दिन हमें याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और इसका बहुत अधिक महत्व है। जहां अंग्रेजी एक विश्व स्तरीय भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, वहीं हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर गर्व है।